Hello students, a very good morning to all of you. Today I am here to discuss the sweet dish of India. This is from GK. And students, remember that you have to watch the video carefully and you have to fill the exercise also. Okay students? So, the sweet dish that we usually eat after eating food is called dessert. जो food हम खाना खाने, sweet चीज जो हम खाना खाने के बाद खाते हैं उसको हम dessert बोलते हैं. DESSERT. आपको याद करिए, ये dessert है, dessert. और जो ये dessert होता है इसका मतलब होता है रेगिस्तान. ठीक है, ये dessert है. There are countless Indian deserts that are found famous in our country and rest of the world. जो हमारे कंट्री में फेमस है और वर्ल्ड में भी फेमस है. आइए उनके बारे में पहले से देखते हैं. It is a Bengali dessert. It is seen mostly in festive season. ये एक बंगाली डिश है, डेजर्ट है, जो फेस्टिव सीजन में दिखता है. इसको क्या कहते हैं? संदेश. सेकेंड फेवरेट गुजराती डेजर्ट विच इज मेड अप ऑफ मैंगोस, आम श्रीखंड. जिसको आम श्रीखंड कहते हैं, ये मैंगोस से बनता है. दिस इज अ फेमस गुजराती डिश. थर्ड इज द कलर ऑफ दिस डेजर्ट इज बिकॉज ऑफ मिल्क पाउडर मिक्स विद शुगर. मिल्क पाउडर शुगर के साथ मिक्स होता है, इसको क्या कहते हैं? गुलाब जामुन. फोर्थ, दिस इज अ फेमस इंडियन डेजर्ट मेड विथ कैरेट. ये एक ऐसा डेजर्ट है जो कैरेट से बनता है. क्या कहते हैं इसे? गाजर का हलवा. नेक्स्ट इज दिस बर्फी हैज अ हैवी टेस्ट ऑफ कैश्यू, काजू की बर्फी या काजू कतली. ओके, यू कैन सी दिस अमेजिंग डेजर्ट्स विच इज given in your book on page number 43. And next, it is a frozen dessert made of milk and cream. ये जमा हुआ dessert होता है, frozen, जमाई जाती है इसको. इसको क्या कहते हैं? कुल्फी. Next, this is the famous dessert of Hindu god Ganesha, that is Modak. इसको क्या कहते हैं? Modak. So, आपको ये exercise को match करना है और आज का डेट आपको लिख करके मैच करना है. टुडेज डेट इज 5 जैन एंड यू हैव टू राइट दिस, सॉरी, यू हैव टू मैच दिस एक्सरसाइज एंड यू हैव टू रिमेंबर द डिस्क्रिप्शंस ऑफ दिस फॉलोइंग डेजर्ट्स. ओके स्टूडेंट्स, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, संदेश, मोदक, आम श्रीखंड, काजू की बर्फी, कुल्फी. ओके